स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये नाम एक बहुत ही दिव्य है उन सभी के लिए जो कि भारतवर्ष में निवास करते हैं, क्योंकि यह जो है बैठी हुई प्रतिमाओं में स्टैचू में दूसरे नंबर पे आता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा पंचलोहा नामक पांच धातुओं से बनी हुई है, यानी कह सकते हैं कि ये जो है 260 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि रामानुजाचार्य संत जो हैं वो उनकी प्रतिमा है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के एक मंदिर में पूजा अर्चना भी किया था। तो यहाँ पे प्रतिमा के अनावरण से पहले देखे तो पूजा अर्चना के बाद जो रामनाथ कोविंद के बारे में बताएं तो रामनाथ कोविंद भी 13 फरवरी को इसी प्रतिमा का अंतरिक्ष कक्ष में बने संत रामानुजाचार्य का स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसका वजन 120 किलोग्राम है, यानी 120 किलोग्राम सोने से बना हुआ है, जिसमें केवल सोना 120 ग्राम लगा है और पांच धातुओं से बना है, यानी सोना चांदी तांबा पीतल और जस्ता इन सभी से मिलकर बना है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जो खास बातें हैं, पीएम ने जिस संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है वह बैठने की मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड में भगवान बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा को दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जाता है। तो बुद्ध की प्रतिमा को बैठी हुई स्थिति में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जाता है और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा पंच लोहा नामक पांच धातुओं से, जैसा कि मैंने बताया, सोना चांदी तांबा पीतल और जस्ता से मिलकर बना है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को भद्र वेदी नामक 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर लगाया गया है। इस इमारत में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय के साथ साथ एक अनुसंधान केंद्र और एक थिएटर और श्री रामानुजाचार्य की कार्यों का विवरण देने वाली एक शैक्षिक गैलरी भी बनाया गया है। परिसर में लगभग 3 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में रामानुजाचार्य का एक मंदिर भी बनाया गया है, जहां 120 किलो सोने की मूर्ति रखी जाएगी। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नागियर स्वामी ने की। यहाँ पे पूछा जाता है कि परिकल्पना किसने की, तो श्री चिन्नागियर स्वामी ने की। इस संरचना की आधारशिला सन 2014 में रखी गई थी। यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुनिचित्तल में 45 एकड़ की दर्शनीय जियर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी में स्थित हुआ है। अब ये देखें तो रामानुजाचार्य कौन थे। तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1017 में हुआ था और उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। शास्त्रों के अनुसार वो 120 साल तक जीवित रहे और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। उनके उपदेशों में हजारों लोग प्रभावित हुए थे। संत रामानुजाचार्य के शिष्य उन्हें एक सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक आर्थिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के वाले गुरु के रूप में जानते थे। कहा जाता है कि कई विद्वानों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया और जानकारी के अनुसार अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई जैसे कई प्राचीन कवियों की रचना संत रामानुजाचार्य से प्रेरित होकर ही की थी। संत रामानुजाचार्य ने सबसे ज़्यादा भेदभाव के शिकार लोगों सहित सभी लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। समानता की मूर्ति जिसे रामानुज प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है, तो 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत भगवत रामानुज की मूर्ति है, जो हैदराबाद के मुसिक्कल में चिन्नागियर ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। 1000 करोड़ यानी 130
मिलियन यूएस डॉलर की लागत से यह रहेगी प्रतिमा का निर्माण, जिनके जन्म 1000 वर्षों की स्मृति में किया गया है। संत भगवत रामानुज को समर्पित प्रतिमा का माना जाता है और 1000 साल पहले भगवान की नज़र में हर कोई समान था और भगवान के प्यार की योग्य थे। उन्होंने उस समय वर्ग, जात, लिंग के आधार पर समाज के व्याप्त असमानताओं के खिलाफ वकालत की थी। तो यहाँ पर देखें तो 2 मई सन 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था, उद्घाटन 5 फरवरी सन 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। स्टील फ्रेमिंग्स और पंचलोहा सामग्री से मिलकर बना है ये। यहाँ पे देखिए तो प्रतिमा के आधारशिला जिंदा जीयर ने रखी थी। प्रतिमा को भारत भेजे जाने से पहले चीन में इरोसन कारपोरेशन द्वारा बनाया गया था। यह पंचलोहा से बना है, जैसा कि आप जानते हैं सोना चांदी आबादी दल टाइटेनियम के संयोजन से बना हुआ है। ट्रस्ट के सदस्यों के अनुसार प्रतिमा इसके निर्माण के लिए दान पर निर्भर करता है। ट्रस्ट में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को प्रतिमा का उद्घाटन किया। कुछ डिज़ाइन के बारे में देख लें तो प्रतिमा का निर्माण एक आधार भवन पर किया गया है जो 16.5 मीटर लंबा है। आधार में एक ध्यान कक्ष होगा जहां 120 किलो सोने की बड़ी बनी रामानुज की एक छोटी सी मूर्ति भी होगी जो उनके जीवन के वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। स्थापित की जाएगी और पंचलोहा का उपयोग करके बनाई गई, जो कि भूतल से 6000 वर्ग मीटर का होगा और उसमें रामानुजाचार्य के जीवन और दर्शन को दर्शाया जाएगा। मंदिर 27,870 वर्ग मीटर की दूसरी मंजिल पर रामानुजाचार्य की 120 किलो की मूर्ति के साथ स्थित होगा जो उनके जीवन के वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जो दैनिक पूजा के लिए जाना जाता है। 13,365 वर्ग किलोमीटर की तीसरी मंजिल में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र भी शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ही इस तरीके से वीडियो और सारी नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।